जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स 11th फिज़िक्स का आगाज़ किया हुआ है थ्रू सादुल्ला फ़ारूकी यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम भी सादुल्ला फ़ारूकी है। आज हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू करना है, वेव्स। चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, यानी हमारा जो स्मार्ट सिलेबस उसमें जिस तरह के टॉपिक हैं, जिस तरतीब से हैं, हम उसी के मुताबिक अपने चैप्टर को लेके चल रहे हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 7 किया था स्मार्ट सिलेबस अकॉर्डिंग टू, और इसी तरह से आज हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंतहाई आप कह लें कि सब्जेक्टिव के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आसान है, कोई टेक्निकल नहीं है, चैप्टर नंबर 8 वेव्स। अच्छा, अब इस चैप्टर को चूँकि इससे पहले ना को 2-4 पेजेस इसके इंट्रोडक्शन पर हैं, वो इंट्रोडक्शन हम उसने स्मार्ट सिलेबस में दिया नहीं है। एक डेफिनेशन दी थी पीरियोडिक वेव्स की, उसके साथ कुछ एक दो और छोटे छोटे टॉपिक थे डेफिनेशन के हवाले से, लेकिन वेव्स का जो बुनियादी हिस्सा था वो बुनियादी हिस्सा यहाँ पर उसने स्मार्ट सिलेबस में नहीं दिया। और चैप्टर नंबर 8 जो बाकायदा तौर पर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 जो बाकायदा शुरू किया जा रहा है वो स्पीड ऑफ साउंड से किया जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड से। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के नाम से ये टॉपिक है, सब्जेक्टिव का टॉपिक है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ऐसे, हाँ जी, सबसे पहले तो आप इसमें एक चीज़ देखें ज़रा। तो बच्चों हम स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक पढ़ रहे हैं और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये पहला चैप्टर नंबर 8 में इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव का, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले एक चीज़ ज़रा सीखें, साउंड वेव्स जो होती है ना, साउंड वेव्स ये मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसकी टाइप है। यानी आप इस चैप्टर 8 में वेव्स की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स होती हैं, एक वेव की टाइप होती है उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, दूसरी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी नहीं पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जैसे लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स हैं जो मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं, जिनको प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम चाहिए होता है उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, ये किसी मीडियम में जाती हैं। आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो ना, तो रास्ते में मीडियम है हवा, हवा के पार्टिकल हैं, ये मेरी इस एनर्जी को साउंड को लेके जा रहे हैं। अगर सेंटर में हवा भी ना होती, वैक्यूम होता, वैक्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, अगर सेंटर में कुछ ना होता तो मेरी आवाज़ यहाँ से आप तक ना जाती। तो एक और चीज़ ध्यान में रखो, वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, आंसर है नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए, जिनको चलने के लिए, जिनको मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जैसे बच्चों रस्सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, रस्सी में उनके लिए रस्सी चाहिए, पानी में जो वेव्स पैदा होती हैं उसके लिए पानी चाहिए, पानी मीडियम है। ऐसे इसी तरह से साउंड वेव्स को भी प्रोपागेट करने के लिए ना, चलने के लिए, इन्हें भी कोई मीडियम चाहिए, इन्हें भी मीडियम चाहिए। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम हवा गैस भी हो सकती है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है। हाँ, मीडियम के बगैर साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो साउंड वेव किसकी टाइप में आती है? साउंड वेव्स बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दो नाम और होते हैं, ये MCQs के लिए आपने जहन में रखना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं ना, वो प्रोपागेट कैसे करती हैं? आंसर है, वो प्रोपागेट करती हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, देखें साउंड का मैं सारा सेटअप आपको समझाता हूँ कि आवाज़ कैसे आपकी कानों तक जाती है। मैं यहाँ से बोलूँगा, मेरे गले से जो आवाज़ निकलेगी ना, जो एनर्जी निकलेगी, वो मेरे मुंह के करीब जो हवा के पार्टिकल है ना, उन पर प्रेशर लगाएंगी। मैं जब बोलता हूँ ना, मेरे मुँह से जब आवाज़ निकलती है, आवाज़ एक एनर्जी है, वो एनर्जी लगती है मेरे मुँह के करीब जो हवा के पार्टिकल है ना, उन पर एनर्जी लगती है। उस एनर्जी की वजह से एयर के पार्टिकल दबते हैं, ऐसे दबेंगे, उन पर प्रेशर लगता है। मैं बोलूँगा तो उन पर प्रेशर लगेगा ना, वो दबेंगे। ये जो प्रेशर लगता है मॉलिक्यूल्स पर जब ये दबते हैं, इसको हम फिज़िक्स में कहते हैं कंप्रेशन, मॉलिक्यूल का करीब करीब हो जाना, दिस इज़ नोन एज कंप्रेशन, ठीक हो गया। मैंने जब बोलना शुरू किया तो मेरे मुँह से जो आवाज़ निकली है, उस आवाज़ से, उस एनर्जी से हवा के पार्टिकल जो मेरे मुँह के करीब हैं वो दब जाएंगे। ऐसे जब पार्टिकल दबेंगे ना, इस सीन को हम फिज़िक्स में कहते हैं कंप्रेशन। ये किस से दबे हैं? तो आंसर है प्रेशर से। मुंह से जो प्रेशर निकला है ना, उस प्रेशर से मॉलिक्यूल्स दबे हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स ने पता क्या करना है? इन मॉलिक्यूल्स ने अगले मॉलिक्यूल को धक्का मारना है, वो दब जाएंगे, वो दबेंगे।
ये मॉलिक्यूल उससे आगे वाले मॉलिक्यूल को प्रेस करेंगे, अगले मॉलिक्यूल दब जाएंगे, फिर वो मॉलिक्यूल उससे आगे वाले मॉलिक्यूल को प्रेस करेंगे, वो दब जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि साउंड कैसे जा रही है, साउंड जा रही है कंप्रेशंस बनाते हुए मॉलिक्यूल्स का करीब करीब होना, दिस इज नोन एज कंप्रेशन। तो पहले कंप्रेशन मेरे मुंह के करीब बना, यहाँ से कंप्रेशन अगले पार्टिकल में ट्रांसफर हुआ, वो कंप्रेस हो गए, ये प्रेशर अगले पार्टिकल पर लगा, वो कंप्रेस हो गए, उन्होंने अगले पार्टिकल पर प्रेशर लगाया, वो कंप्रेस हो गए। तो जैसे ऐसे साउंड जाएगी, यूं समझे कंप्रेशन से जा रहे हैं, कंप्रेशन से, ये कंप्रेशन चलते 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 आपके कानों के पर्दे से जब जाके ये कंप्रेशन टकराएगा तो आपके कानों का पर्दा वाइब्रेट करेगा ऐसे, उसके वाइब्रेट करने से दिमाग सेंसिटाइज होगा, जिससे आपको सुनने का एहसास पैदा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं साउंड वेव्स, बेसिकली ये जो कंप्रेशंस वाली वेव्स होती हैं ना, इनका नाम लोंगिट्यूडनल वेव्स होता है, इन्हें हम कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, इन्हें हम लोंगिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, लोंगिट्यूडनल भी नाम है और इनका दूसरा नाम क्या होता है, इन्हें कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं दूसरे। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये कंप्रेशन बनते कैसे हैं, आंसर है कंप्रेशन बनता है ड्यू टू प्रेशर। पार्टिकल्स पर प्रेशर लगता है ना, शुरू में तो प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर से मॉलिक्यूल दबेंगे, कंप्रेस होंगे, इसलिए हम लोंगिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, हम इसको प्रेशर वेव भी कहते हैं। तो बच्चों साउंड वेव्स जो होती है ना, साउंड वेव्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लोंगिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स या फिर प्रेशर वेव, तीनों इसी के नाम होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो ज़रा बच्चों, जब एक मॉलिक्यूल कंप्रेशन बनाते हैं ना, मॉलिक्यूल दबते हैं जब, कंप्रेशन बनेगा, उन्होंने अपना ये कंप्रेशन अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करना है, वो अगले पार्टिकल को दबाएंगे, तो कंप्रेशन यहाँ से आगे चला गया। अच्छा, जब कंप्रेशन एक जगह से आगे चला जाता है, कंप्रेशन का मतलब है कि ये पार्टिकल अगले पार्टिकल को दबा देंगे, ऐसे प्रेशर लगाएंगे, वो दब जाएंगे। तो पिछले पार्टिकल जो पहले कंप्रेस थे, उन्होंने अपना दबाव आगे दे दिया, पीछे वो क्या हो गया, रिलैक्स। रिलैक्स वाली जो पोजीशन होती है ना, जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। तो दो लफ्ज होते हैं लोंगिट्यूडनल वेव्स में, एक कंप्रेशन होता है, एक रेयरफैक्शन होता है। असल में पहले कंप्रेशन बनेगा, वो कंप्रेशन जब आगे जाएगा ना, तो पिछले पार्टिकल रिलैक्स हो जाएंगे। बच्चों सबसे पहले पार्टिकल कौन से हैं जो दबते हैं, तो आंसर आपके होंठों के करीब वाला जो हवा के पार्टिकल है वो सबसे पहले दबेंगे, कंप्रेशन पहले इधर होगा, ये अगलों को एनर्जी देंगे, कंप्रेशन आगे गया, पीछे वाले रिलैक्स हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर होते हैं ना, इस फिनोमेने को हम कहते हैं रेयर फैक्शन। मैंने कंप्लीट नहीं लिखा क्योंकि ये आप मैट्रिक में पढ़ के आए हो, रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन का मतलब पार्टिकल्स का दूर दूर होना, एक्सपैंड होना, रिलैक्स होना। कंप्रेशन का मतलब होता है पार्टिकल्स का करीब करीब होना, दबना। तो साउंड वेव जैसे जैसे कंप्रेशन आगे जाता जाएगा, वैसे वैसे पिछला हिस्सा रेयर फैक्शन बनता जाएगा। तो हम कहते हैं कंप्रेशन और रेयर फैक्शन वाली जो वेव्स होती है ना, दिस इज नोन एज लोंगिट्यूडनल वेव्स, और साउंड वेव्स बेसिकली लोंगिट्यूडनल। एक चीज, अब एक और चीज समझ लो बच्चों, मेरे गले से सबसे पहले आवाज शुरू होती है वोकल कॉर्ड से, ये गले में वोकल कॉर्ड है। एक सेकंड में ये वोकल कॉर्ड्स जितनी दफ़ा हिलेंगे ना, वाइब्रेट करेंगे, एक सेकंड में मेरे मुंह से उतनी थ्रो निकलेगी, उतने कंप्रेशंस बनेंगे। अगर मेरे गले की फ्रीक्वेंसी आम तौर पर जो मेल पर्सन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 300 होती है, फीमेल की 400 होती है, बच्चों की 500 या 600 होती है। बच्चों की आवाज़ बारीक होती है, बारीक आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मोटी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम है। घुंघरू की फ्रीक्वेंसी 2000 है, ढोल की, ड्रम की फ्रीक्वेंसी 50 है। तो मोटी जो आवाज़ होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। श्रिल जो साउंड होती है ना, ब्रीक साउंड जो कानों को चुभती है ना, बच्चे रोते हैं तो कानों में ऐसे सर में दर्द शुरू हो जाती है, बच्चों की आवाज़ चुभती है, ब्रीक होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी का सिनेरियो समझा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी है क्या। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव्स है। अगर मेरे गले की इस वक्त फ्रीक्वेंसी 300 है ना, मेरे गले से 300 की आवाज़ निकल रही है, इसका मतलब है कि मेरे गले से एक सेकंड में 300 साउंड वेव्स निकल रही है। व्हाट इज साउंड वेव्स, साउंड वेव्स मींस कंप्रेशन, लोंगिट्यूडनल वेव्स है। यूं समझ लो कि मेरे मुंह से एक सेकंड में 300 कंप्रेशन बना रहे। तो शुरू यहां से होता है, आपके गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, एक सेकंड में जितनी दफा ये हिलेंगे ना,
उसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ गले से निकलेगी। अगर ये एक सेकंड में 300 दफ़ा हिलते हैं तो आपका गला 300 की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालेगा। तो मेरा वोकल कोर्स 300 दफ़ा हिले, मेरे मुंह से जो आवाज़ निकली, जो एनर्जी निकली, वो एक सेकंड में 300 दफ़ा थी। उन्होंने हवा के पार्टिकल को एक सेकंड में 300 दफ़ा प्रेशर लगाया तो एक सेकंड में 300 कंप्रेशंस बनेंगे एयर में। एक सेकंड में बड़ी तेज़ी से ये काम चलता है, ये कंप्रेशन बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, तो एक सेकंड में 300 कंप्रेशंस बनेंगे। और वो कंप्रेशन आपके कानों के पर्दों से जब जाके टकराएंगे ना, तो एक सेकंड में 300 कंप्रेशन टकराएंगे तो आपका दिमाग 300 की आवाज़ सुनेगा। हमें कैसे पता चलेगा ये आवाज़ ऊंची है ये हल्की है? इसका मतलब है कोई तो सीन होगा जिससे पता चले कि ऊंची आवाज़ है हल्की आवाज़ है। ऊंची आवाज़ का मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब है इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा, कंप्रेशंस ज़्यादा। अब एक सेकंड में 300 कंप्रेशंस आपके कानों से टकरा रहे हैं, कहाँ एक सेकंड में 600 कंप्रेशंस आपके कानों के पर्दे से टकराएं, तो जो 600 कंप्रेशन टकराएंगे कानों के पर्दे से एक सेकंड में, तो आपका दिमाग उस आवाज़ को 600 गिनेगा। वो दिमाग तो कहेगा कि ऊंची आवाज़ है, पर्दे ज़्यादा ही लड़े हैं। बच्चों एक दफ़ा कंप्रेशन टकराता है, फिर टकराता है, फिर टकराता है, पर्दा वाइब्रेट करता है। जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होगी उतने ही कंप्रेशंस बनेंगे एक सेकंड में, उतनी ही वेव्स होंगी एक सेकंड में, उतनी दफ़ा कानों का पर्दा एक सेकंड में वाइब्रेट करेगा, उतनी दफ़ा गले का वोकल कोर भी एक सेकंड में हिलेगा। दिस इज मैकेनिज्म। एक सेकंड में जितनी दफ़ा वाइब्रेशन गले में होगी उतनी आवाज़ बनेगी, उतने ही एक सेकंड में कंप्रेशंस बनेंगे हवा में, और वो कंप्रेशंस कानों पे जाके टकराएंगे तो एक सेकंड में कानों का पर्दा भी उतनी दफ़ा ही हिलेगा। ये मैकेनिज्म होता है साउंड वेव्स का। तो साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, कंप्रेशनल भी और प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। आगे चलें बच्चों, साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है, साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है, जैन उसको ज़रा चेक करो, हिल गया। साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है बच्चों, बाकी इधर देखो भाई, बाकी सारे बच्चे इधर देखें। साउंड वेव्स की स्पीड बच्चों दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। इसकी स्पीड का फार्मूला वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाई डेंसिटी। यहां पर E क्या है? E इज इलास्टिक मॉडुलस, E इज इलास्टिक मॉडुलस। आप इधर देखें, आपको सुना नहीं है, बाकी इधर देखो। E होता है इलास्टिक मॉडुलस, रो होता है डेंसिटी। साउंड वेव्स की स्पीड जो होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड वेव, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, उस मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस। नंबर टू, उस मीडियम का इनर्शिया। बच्चों इनर्शिया का मतलब होता है मैस, इनर्शिया मैस को कहते हैं, मैस इनर्शिया ना। और डेंसिटी भी तो मैस ही होती है, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम है ना। कितना मैस है एक मीटर क्यूब में उसे डेंसिटी कहते हैं। एक मीटर क्यूब के हिस्से में जो मैस होता है वो डेंसिटी है। तो यूं समझ लें इनर्शिया मीन्स डेंसिटी। तो साउंड वेव्स की स्पीड दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, इलास्टिक मॉडुलस पर करती है, अभी बताता हूँ क्या होता है। नंबर टू, ये उस मीडियम के इनर्शिया पर या डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो साउंड वेव्स की स्पीड का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। अब बच्चों इलास्टिक मॉडुलस क्या है? इलास्टिक मॉडुलस आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, दिस इज इलास्टिक मॉडुलस। ऊपर स्ट्रेस, नीचे स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स लगाना, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स का लगना। किसी चीज पर आप फोर्स लगाएंगे, दिस इज नोन एज स्ट्रेस, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब मैं आपको ना यहां पर एक चीज समझाने लगा, उसको जरा गौर से सुनना। इलास्टिक मॉडुलस जो होता है, इलास्टिक मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ऐसे स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स जो लगती है, प्रेशर, ये होता है सर। अगर किसी चीज पर ज्यादा स्ट्रेस लगी होगी तो उसका इलास्टिक मॉडुलस भी तो ज्यादा होगा। बच्चों अगर कोई चीज ज्यादा स्ट्रेस में है, इट मीन्स डैट उसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है। जैसे मैं आपसे कहूँ सॉलिड और गैस में से बताओ इलास्टिक मॉडुलस किसका ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर सॉलिड जो होता है ना वो उसके पार्टिकल पहले ही करीब करीब होते हैं, यूं समझ लें कि वो ज़्यादा स्ट्रेस की हालत में है, करीब करीब है ना। हवा के पार्टिकल तो करीब करीब नहीं होते, अगर उन पर स्ट्रेस लगाएंगे तो सॉलिड बनेगा ना। गैस पर स्ट्रेस प्रेशर लगाओगे तो वो सॉलिड बनती है, होती नहीं है।
तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं ज़्यादा। जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे, इसका मतलब सॉलिड ज़्यादा स्ट्रेस वाली फॉर्म में होता है, इसलिए सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होता है। हम लिख सकते हैं ई सॉलिड इज ग्रेटर देन ई गैसेस। सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस गैसेस से ज़्यादा होता है, क्योंकि इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो किसी चीज़ पर जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगा होगा, कैसे पता चलेगा ये ज़्यादा स्ट्रेस में है? जिसके पार्टिकल ज़्यादा करीब करीब होंगे वो ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेस फॉर्म में होगा, ठीक है जी। अब ये जो इलास्टिक मॉडुलस होता है ना, हाँ जी, इलास्टिक मॉडुलस जो होता है बच्चों, इलास्टिक मॉडुलस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल इलास्टिक मॉडुलस है, या इलास्टिक मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है? कंप्रेसिबिलिटी होती है कंप्रेस होने की एबिलिटी। किसी भी चीज़ में कंप्रेस होने की जो अहलियत होती है उसका नाम इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिक, उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। किसी भी मटेरियल में कंप्रेस होने की जो अहलियत होगी, जो एबिलिटी होगी, उसका नाम होगा कंप्रेसिबिलिटी। मुझे अब बताओ ज़रा, गैस और सॉलिड में से कौन ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है? आंसर है गैस ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, वो ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है सॉलिड से। तो मैं फिर लिख सकता हूँ कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो दोनों फिर एक दूसरे का उलट नहीं हुए, जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, और जिसका इलास्टिक मॉडुलस कम है उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। तो एक तो ये एमसीक्यू ज़हन में रखना, ये बोर्ड में आता भी है, कंप्रेसिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक मॉडुलस। जिन चीज़ों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, मतलब जिन पर ज़्यादा स्ट्रेस लगी होती है, सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होता है, गैसेस का काम है। इसका मतलब है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, उन पर स्ट्रेस लगी होती है, वो करीब करीब है। तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कम है, क्योंकि सॉलिड में कंप्रेस होने की जो एबिलिटी है वो कम है, गैसेस में ज़्यादा। तो गैसेस में गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, गैसेस ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं, इसलिए गैसेस का इलास्टिक मॉडुलस कम होता है। तो गैसेस का इलास्टिक मॉडुलस कम है, सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा। आप यहाँ से देख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा। तो किसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा बच्चों? सॉलिड का। तो फिर हम लिख सकते हैं सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है किसकी निस्बत? तो आंसर है गैसेस की। तो पेपर में सवाल आता है व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन गैसेस। तो हम कहेंगे बिकॉज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन गैसेस, और स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ई। जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। दूसरी चीज़, सॉलिड में मालिक्यूल्स होते हैं करीब करीब, सॉलिड में मालिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, इसलिए अगर आप किसी वेव्स का फिनोमेना पता क्या है, वेव्स कैसे चलती हैं, आंसर है वेव्स प्रोड्यूस भी वाइब्रेशन से होती हैं, चलती भी वाइब्रेशन से। ये चीज़ ध्यान में रखना, वेव्स प्रोड्यूस भी वाइब्रेशन से होती हैं, प्रोपागेट भी वाइब्रेशन से ही करती हैं। वाइब्रेशन का मतलब, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, हवा के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर रहते हुए हिलेंगे, बस ऐसे। इनके हिलने से एनर्जी अगले पार्टिकल को मिलेगी, वो हिलेंगे। इनके धक्के से एनर्जी अगले को मिलेगी, वो हिलेंगे। ये चलते 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 वो एनर्जी हमारे कानों तक आ जाती है। ये हिसाब यहाँ पर, अब देखो ना, मैंने किसी एक एनर्जी को, किसी एक पार्टिकल को एनर्जी दी, वो वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन से अगले पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, वो हिलता है, उसके हिलने से धक्का अगले पार्टिकल को लगेगा, वो हिलेगा, फिर अगले को मिलेगा, वो हिलेगा। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं करीब करीब, सॉलिड में पार्टिकल करीब करीब होते हैं। जब आप एनर्जी एक पार्टिकल को देते हो ना, तो आपकी एनर्जी फौरन अगले पार्टिकल को मिलती है। ये देखें,
ये पार्टिकल हिला, दूसरा हिला, तीसरा हिला, चौथा, हमारी एनर्जी यहाँ से जो हमारी डिस्टर्बेंस थी ना वो यहाँ तक आ गई। फोर्थ, गैसेस में क्या होता है, एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, ऐसे दूर दूर। आप एक मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे, आप एक मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे, जब एक मॉलिक्यूल को आप एनर्जी दोगे तो उसकी एनर्जी से क्या होगा, जब आप एक मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे तो उसकी एनर्जी से क्या होगा, ये एनर्जी दूसरे पार्टिकल तक देर से पहुंचेगी क्योंकि सेंटर में गैप ज़्यादा होता है। तो सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड और गैसेस में, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी एनर्जी का जो रिस्पॉन्स है वो फौरन क्विकली ट्रांसफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेज में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, गैसेज में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए आपकी जो एनर्जी है ना वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने में टाइम लगता है तो स्पीड कम हो जाती है। बचो, अगर ये एनर्जी जल्दी जल्दी आगे जाएगी तो साउंड वेव्स भी तो आगे जल्दी जाएंगी, और अगर ये देर से जाएंगी तो उसकी स्पीड भी कम है। तो सॉलिड में हमारी एनर्जी का रिस्पॉन्स जल्दी ट्रांसफ़र होता है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, गैसेज में मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से आपकी एनर्जी जल्दी से उधर तक नहीं पहुँचती। डैट्स वाई स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इन गैसेस। अच्छा, अब हमने साउंड वेव्स की स्पीड का फार्मूला निकालना है। सबसे पहले साउंड वेव्स की स्पीड का फार्मूला न्यूटन्स ने निकाला था, न्यूटन्स ने। तो न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव किया है, और हमने अब न्यूटन्स का पहले फार्मूला बनाना है, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू उसने क्या निकाली, यानी उसने अपना फार्मूला बनाया स्पीड ऑफ साउंड का, और स्पीड ऑफ साउंड की उसने एक वैल्यू कैलकुलेट की, वो वैल्यू में थोड़ी मिस्टेक आ गई। उस मिस्टेक को बाद में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है लैपलेस, जिसका नाम है लैपलेस। लैपलेस ने फिर उस गलती को आकर ठीक किया, उस करेक्शन को, उसकी जो मिस्टेक आई है उस मिस्टेक को उसने फिर ठीक किया। तो यूँ समझ लें ये दो टॉपिक होते हैं एक ही टॉपिक में, एक न्यूटन्स फार्मूला आता है और एक लैपलेस करेक्शन आती है। हाँ जी, न्यूटन्स फार्मूला क्या है पहले ज़रा इसको समझो। कल हमने पढ़ा था कि बच्चों साउंड वेव्स जो होती हैं ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। साउंड वेव्स को कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, साउंड वेव्स को हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं, ये सारे इसी के नाम होते हैं साउंड वेव्स के, ठीक है। अब यहाँ पर जब किसी भी मीडियम से साउंड वेव्स पास थ्रू करती है ना तो उस मीडियम में कंप्रेशन बनता है, रेयरफैक्शन बनता है। कंप्रेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का करीब करीब होना, दबना, प्रेशर, कंप्रेशन इसको कहते हैं। और जब ये कंप्रेशन, याद रखना, जब कंप्रेशन आगे चला जाता है ना, मॉलिक्यूल्स तो वही होते हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स तो वही हैं, मॉलिक्यूल्स तो उसी तरह से है ना। जब कंप्रेशन, एक दफ़ा मॉलिक्यूल दबते हैं ना, इन्होंने फिर खुलना भी तो है ना, रिलैक्स भी होना। ये मॉलिक्यूल जब अगले मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगा देते हैं ना तो पीछे से ये रिलैक्स हो जाते हैं। इनकी रिलैक्स वाली जो पोजीशन होती है उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। तो इस तरह से कंप्रेशन आगे जाता जाता है, पीछे पीछे रेयरफैक्शन बनता रहता है। तो साउंड वेव्स जब भी किसी मीडियम से पास थ्रू करती हैं तो उस मीडियम में कंप्रेशन भी बनते हैं और रेयरफैक्शन भी बनते हैं। न्यूटन्स का ये कॉन्सेप्ट था, न्यूटन्स ये कहता था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती है। मसलन जब कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर कम होता है। देखो मॉलिक्यूल्स, जब आपने केमिस्ट्री में भी अक्सर पढ़ा होगा कि जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, तो टेम्परेचर कम होता है। तो याद रखना, कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है। रेयरफैक्शन एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कूलिंग के ज़मरे में आती है। एक्सपेंशन, आपने जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा होगा, सडन एक्सपेंशन काजेज कूलिंग। तो जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं तो उस रीजन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जब मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं तो उस रीजन का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये हॉट रीजन है, रेयरफैक्शन वाला कोल्ड रीजन है। न्यूटन ये कहता था कंप्रेशन में टेम्परेचर ज़्यादा है, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर कम है, हाई टेम्परेचर से हीट निकलेगी, लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, इस तरह से दोनों का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। लो जी, तो मेन चीज़ न्यूटन्स का कॉन्सेप्ट क्या था स्पीड ऑफ साउंड पर। तो उसने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला निकालने के लिए न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ये है कि जब भी साउंड वेव्स किसी मीडियम से पास थ्रू करती हैं तो उस मीडियम का टेम्परेचर सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता।
एक रीजन में टेम्परेचर बढ़ेगा कंप्रेशन में, साथ जो रेयर फैक्शन है वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो कहता है जितना टेम्परेचर बढ़ा है ना उतना कम है, हाई टेम्परेचर से हीट निकलती है, लो टेम्परेचर पर जाती है इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, लो वाले का थोड़ा बढ़ के बैलेंस हो जाता है। तो साउंड वेव्स जब भी किसी मीडियम से गुजरती हैं उस मीडियम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। दिस इज कॉन्सेप्ट, याद रखना ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो न्यूटन कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी साउंड वेव्स किसी भी मीडियम से गुजरती हैं तो उस मीडियम का टेम्परेचर सेम रहता है। अच्छी तरह जेन में रखना है किस कॉन्सेप्ट पर न्यूटन अपना फार्मूला बना रहा है। अगर ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है बच्चों, मीडियम का टेम्परेचर सेम है, तो आप जानते हैं बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल ही कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो फिर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज बॉयल्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉन्स्टेंट है एट सेम टेम्परेचर। ये फार्मूला लिखने के मजाज हम उस वक्त हैं जब टेम्परेचर सेम हो। बॉयल्स लॉ की शर्त होती है कि टेम्परेचर सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने चाहिए। तो न्यूटन तो यही कह रहा है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है कि कंप्रेशन बनते हैं रेयरफैक्शन बनते हैं, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है रेयरफैक्शन में कम होता है। तो एक रीजन में टेम्परेचर बढ़ा एक में कम हुआ, हीट फ्लो करेगी हाई से लो टेम्परेचर की तरफ, यहाँ से इसका टेम्परेचर ज़्यादा हीट निकलेगी इसमें जाएगी इसका लो टेम्परेचर है, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है इसलिए हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप जानते हैं कि बच्चों अगर प्रेशर में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, अगर प्रेशर कुछ बढ़ेगा पी प्लस डेल्टा पी तो वॉल्यूम कुछ कम होगा वी माइनस डेल्टा वी, यही तो होता है। अगर प्रेशर बढ़ता है पी प्लस डेल्टा पी तो वॉल्यूम कम होगा कितना वी माइनस डेल्टा पी। यहां से दो ब्रैकेट वाली रकमें इनको जरा मल्टीप्लाई करो तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल टू। दो ब्रैकेट वाली रकमों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आंसर है पहले एक रकम को पकड़ो दोनों से ज़रब दो, फिर दूसरी को पकड़ो दोनों से ज़रब दो। तो पहले P को पकड़ो दोनों से ज़रब दें तो ये बन गया P इंटू वी एक चीज़, फिर P दूसरी रकम से हुआ तो P डेल्टा V हो गया, फिर डेल्टा P को पकड़ो डेल्टा P V से ज़रब हुआ तो डेल्टा P V, ये प्लस माइनस माइनस डेल्टा P दूसरी रकम से मल्टीप्लाई हुआ तो डेल्टा V। हमने दो ब्रैकेट वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक रकम को पकड़ा दोनों से किया फिर दूसरी को पकड़ा दोनों से किया, तो पहले P को दोनों से दिया फिर डेल्टा P को दोनों से। आप यहाँ से देखें पी वी से कैंसिल आउट हो गया, पी इंटू वी दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब एक और चीज़ जेन पे रखना, डेल्टा P क्या है, डेल्टा P है स्मॉल चेंज इन प्रेशर। देखो प्रेशर में कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता जब साउंड वेव्स चलती हैं, थोड़ा सा ही चेंज होता है। तो डेल्टा पी है स्मॉल चेंज इन प्रेशर। अगर प्रेशर में चेंज स्मॉल है तो वॉल्यूम में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो भी स्मॉल होगा। तो डेल्टा पी भी छोटी रकम है, डेल्टा वी भी छोटी रकम है। फिजिक्स में डेल्टा वैसे भी चेंज को कहते हैं, स्मॉल चेंज को, छोटी रकम में जो चेंज होता है वो डेल्टा होता है। तो डेल्टा पी भी छोटी रकम है, डेल्टा वी भी छोटी रकम है, दो छोटी रकमें अगर ज़रब हों तो आंसर बढ़ता नहीं है बल्कि छोटा हो जाता है। जैसे 0.1 को 0.1 से ज़रब देंगे तो आंसर 0.01 हो जाएगा, छोटा बढ़ेगा नहीं। एक से बड़ी रकमों को ज़रब दें तो आंसर बढ़ता है, एक से छोटी रकमों को ज़रब दें तो आंसर छोटा हो जाता। तो यूँ समझ रहे हैं कि दो डेल्टे फिजिक्स में जब भी ज़रब होते हैं ना हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, इधर ही क्रॉस लगा दें। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसको कंसीडर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इतना छोटी सी वैल्यू है कि इसको इग्नोर कर दें तो कोई इतना बड़ा एरर नहीं आएगा, लेकिन हमारी डेरिवेशन आसान हो जाएगी। इसलिए हम बच्चों डेल्टा पी डेल्टा वी छोटी रकम है इसको कैंसिल कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते। और ठीक है ना, एक बड़ी वैल्यू में कोई पॉइंट वाली रकम जमा करें तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। पी वी से गया, ये दो डेल्टे कैंसिल आउट हो गए, इधर से ये माइनस वाली रकम है, इस माइनस वाली रकम को उधर लेके जाएं तो प्लस हो जाएगी। तो ये आपके पास बनेगा P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया बच्चों, ये डेल्टा P बच गया, ये इंटू V बच गया, ठीक है जी। अब यहाँ से ज़रा देखें, ये डेल्टा V उधर ले जाएं तो P इज इक्वल टू डेल्टा P, ये V लिखा होगा, बल्कि एक काम करें आप यहाँ से इस वॉल्यूम को उठाकर उधर ले जाएं तो वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, ये पी पहले से लिखा है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, ये वी उधर गया डिवाइड हो गया इज इक्वल टू डेल्टा पी।
अब ये पूरी रकम डेल्टा वी ओवर वी जरब हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो पी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी आ गया। ऊपर क्या है प्रेशर, डेल्टा पी मतलब प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज स्ट्रेस, यही तो स्ट्रेस होती है। व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर भी तो एफ ओवर ए होता है, स्ट्रेस भी एफ ओवर ए है, तो ऊपर बेसिकली स्ट्रेस है यूं समझ लें। नीचे देखें चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, बच्चों चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन की टाइप्स हैं। स्ट्रेन है क्या, किसी भी क्वांटिटी में चेंज ऊपर हो उसकी असल रकम नीचे हो, इस रेशो को स्ट्रेन कहते हैं, भले वो लेंथ में हो भले वो वॉल्यूम में हो। तो लेंथ वाली का नाम होता है टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम वाली का नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है तो स्ट्रेन ही। तो ऊपर डेल्टा पी क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, नीचे डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज इलास्टिक मॉडुलस ई। तो न्यूटन ये कहता है इलास्टिक मॉडुलस किसके इक्वल है, कहता है इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू पी। देखिए पी किसके बराबर आ गया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इलास्टिक मॉडुलस। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला हमने पढ़ा था ये वाला शुरू में, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर डेंसिटी है। अब इलास्टिक मॉडुलस की जगह हम लिख सकते हैं, सो स्पीड इज इक्वल टू न्यूटन के मुताबिक जहां पर ई है इलास्टिक मॉडुलस उसकी जगह हम लिख सकते हैं पी, तो पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है जी, तो न्यूटन ने जो फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का बनाया है वो क्या है, तो आंसर है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऊपर पी प्रेशर, नीचे रो डेंसिटी। न्यूटन कहता है प्रेशर इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस। लो भी यहां पर उसने वैल्यूज पुट की, जो भी प्रेशर था डेंसिटी था जो भी था, बाय पुटिंग वैल्यूज, हाँ जी, तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर निकला था वो आंसर क्या था, वी इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बनाया था उस फार्मूले में जब उसने वैल्यूज पुट की, आपने करनी नहीं है, जो भी वैल्यू थी उसने पुट की, तो वैल्यू आंसर क्या निकला, 280 मीटर पर सेकेंड। वैसे एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है ना साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड की, वो 332 होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। न्यूटन ने निकाली है कितनी, 280, असल कीमत कितनी है 332, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर है 52 मीटर पर सेकेंड का फर्क आ रहा है, 52 ही आएगा ना, 20 और ये 32, 52। तो न्यूटन का जो फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड का निकला है उस फार्मूले के मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड निकलती है वो असल कीमत से इतना फर्क है, बड़ा फर्क है। कोई एक दो तीन चार का फर्क होता तो हम उसे इग्नोर कर देते, ये फर्क 52 का फर्क है। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें ना, एरर परसेंटेज एरर, तो ये एरर 16% निकलता है, 16% गलती है। तो न्यूटन्स के फार्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड निकली है वो स्पीड ऑफ साउंड की कीमत में 16% गलती है असल कीमत से, 16%। ये परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, इसको वैसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर ये रख लें फार्मूला, परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है, देखिए डिफरेंस इन वैल्यू, ऊपर डिफरेंस वैल्यू में कितना डिफरेंस है इसको ऊपर लिखना है, नीचे टोटल वैल्यू, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से ज़रब दी जाती है, ये आप जानते हैं, जब भी परसेंटेज बनानी होती है तो हम किससे ज़रब देते हैं, 100 से। तो वैल्यू में डिफरेंस कितना है, तो आंसर है वैल्यू में डिफरेंस है 52 का, वैल्यू में डिफरेंस 52 का, टोटल वैल्यू उसकी कितनी है 332, ज़रब 100 करेंगे तो ये आंसर 16% निकल आएगा। चलिए ये अक्सर MCQs में आता है कि कितने परसेंट न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू में कितने परसेंट गलती निकली है, तो आंसर है 16%। ठीक है, जितना वैल्यूज में डिफरेंस है ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, अरब सो दिस इज परसेंटेज एरर, या इसको यूं कह ले परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ऊपर कितना एरर है, एरर इन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, अरब सो दिस इज परसेंटेज एरर। चले अब ये जो गलती हुई है ये कहाँ पर हुई है, तो बाद में एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम है लैपलेस, उसने आकर न्यूटन्स के फार्मूले को दुरुस्त किया, उसने कहा कि न्यूटन ने एक गलती की है,
पहले तो उसने वो गलती मेंशन की, फिर उसको सही करने के बाद उसने सही फार्मूला बनाया। यहाँ से टॉपिक का नाम पड़ता है, इसे कहते हैं लैपलेस कुरेक्शन, लैपलेस कुरेक्शन। तो ये दो तरह से सवाल सब्जेक्टिव में आता है, या न्यूटन्स फार्मूला आएगा, स्पीड ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करो न्यूटन्स फार्मूला निकालो ये वाला, या फिर पेपर में सवाल लैपलेस कुरेक्शन के नाम से आएगा, इकट्ठा नहीं आएगा, वो बड़ा लेंथी हो जाएगा। ये दो सवाल हैं 5-5 नंबर के, दोनों में से कोई एक आता है, ठीक है। या बच्चों लैपलेस कुरेक्शन के नाम से आता है, या फिर आपके पास क्या होगा, या न्यूटन्स फार्मूला आता है। तो न्यूटन्स के फार्मूले में जो मिस्टेक हुई है, जो गलती, कुछ तो गलती हुई है, तभी तो 16% आंसर गलत निकला, उस गलती को दुरुस्त किया है लैपलेस ने, और टॉपिक का नाम पड़ गया लैपलेस कुरेक्शन। अब आपने इसको समझना ये क्या, लैपलेस ये कहता है कि साउंड वेव्स, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, आंसर है यूँ समझ लें कि कोई टाइम नहीं लग रहा, मैं जैसे ही बोलता हूँ आप वैसे ही सुन लेते हो, जिस सेकंड बोलता हूँ उसी सेकंड सुन लेते हो आप। यानी साउंड वेव्स इतनी तेज़ी से चलती हैं, ये रास्ते में कंप्रेशंस रेयरफैक्शन इतनी स्पीड से बनते हैं, कंप्रेशंस रेयरफैक्शन इतनी तेज़ी से बनते हैं कि हीट को फ्लो करने का टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों न्यूटन ये कहता था कंप्रेशन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर कम होता है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है। कहता है जितना टेम्परेचर बढ़ा है साथ वाले रीजन में उतना कम हुआ है, हाई टेम्परेचर से हीट निकलती है, लो टेम्परेचर पर जाती है, टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। लैपलेस कहता है यही तो गलती है न्यूटन की, कि न्यूटन ने कहा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। क्यों? कहता है कंप्रेशंस रेयरफैक्शन इतनी तेज़ी से बनते हैं कि हीट को फ्लो करने के लिए टाइम लगता है। बच्चों आपने कभी नोट किया है कि गर्म, जितनी मर्जी सर्दी हो, धुंधे पा रही हो, गर्म चाय का कप आप फुल सर्दी में भी बाहर निकालें तो ऐसा नहीं है कि वो एक सेकंड में ही ठंडा हो जाए, उससे भी तो टाइम लगेगा ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तो लगेंगे फुल गर्म कप को ठंडा होने के लिए, 100 सेकंड लगेंगे उसे, 150 सेकंड लगेंगे। बताने का मकसद है कि टाइम लगेगा, आप एकदम से कप चाय का गर्म ऐसे पकड़ें और फ्रिज के ऊपर वाले खाने में भी रखें तो ऐसा नहीं होगा कि एक सेकंड में ही बर्फ़ जम जाए या ठंडा हो जाए, नहीं होगा, उसे कुछ टाइम लगेगा ना। हीट फ्लो करने में, एक जगह से हीट निकलती है दूसरी जगह जाती है, हीट को फ्लो करने में कुछ टाइम लगता है, हीट टाइम लेती है फ्लो करने में। चूँकि साउंड वेव्स इतनी तेज़ी से चलती हैं, इतनी स्पीड से चलती हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन इतनी तेज़ी से बनते हैं, इतने रैपिड बनते हैं कि कंप्रेशन में टेम्परेचर ज़्यादा था, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर कम था, इसकी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करने का टाइम ही नहीं होता, उससे पहले ही आवाज़ आपकी कानों तक चली जाती है। इतनी तेज़ी से कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं कि हीट को फ्लो करने का टाइम ही नहीं मिलता, दिस इज रैपिड प्रोसेस। कहता है कंप्रेशन रेयरफैक्शन का बनना ये एक रैपिड प्रोसेस है, इतना तेज प्रोसेस है कि टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, जिस रीजन में जितना टेम्परेचर है उस रीजन में उतना ही रहेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें ज़्यादा ही रहेगा, जिसका कम है कम रहेगा, टेम्परेचर बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बड़ी स्पीड से बनते हैं, हीट फ्लो करे कब, उसे थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम मिलता ही नहीं, इसलिए हर हर रीजन का टेम्परेचर उसी में रहता है, टेम्परेचर बैलेंस नहीं होता। तो क्या डिफरेंस है, न्यूटन का कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर सेम रहता है, लैपलेस का कॉन्सेप्ट क्या था कि टेम्परेचर सेम नहीं रहता बल्कि टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता। अच्छा, अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो फिर हम बॉयल्स लॉ यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम लिख सकते हैं बच्चों पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं लिखा जा सकता, इसकी शर्त है टेम्परेचर सेम हो। अब टेम्परेचर तो सेम नहीं है, फिर उसने थोड़ा बॉयल्स लॉ को मॉडिफाई किया, उसने लिखा पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी की पावर गैमा, ये गैमा क्या है, गैमा ही तो टेम्परेचर की चेंजेस बता रहा है, गैमा क्या होता है, तो आंसर है गैमा इज द रेशो, गैमा एक कॉन्स्टेंट है, ये रेशो है किसकी, ये दो मोलर स्पेसिफिक हीट की रेशो है, मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट का सिंबल सी होता है, इसे 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे हम जाके, मोलर स्पेसिफिक हीट,
कौन कौन सी? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी रेशो को कहते हैं गैमा। तो गैमा एक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि रेशो है ना, ऊपर नीचे रेशो है, इसका यूनिट नहीं होता। ये किसकी रेशो है? मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है? आंसर है, हम जब हीट का चैप्टर पढ़ेंगे ना 11, उसमें फिर डिटेल से सीखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है जी। अच्छा, गैमा की तीन वैल्यूज होती हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू 1.67 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 1.40, पॉली एटॉमिक के लिए 1.27, ऐसे ही। ये साइड पर एक टेबल है, उस टेबल में देखें तीनों लिखी है, तीनों में से कोई एक आधा एमसीक्यू आ जाता है। 1.29, चले ये ले, हाँ जी 1.2। तो तीन मोनोटॉमिक, सिंगल, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, तो इन गैसेस के लिए गैमा की वैल्यू, इनमें से कोई एक आधा एमसीक्यू जरूर आता है, इसको याद करना है आपने। तो बच्चों, पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये उसने थोड़ी मॉडिफिकेशन की है। अब जरा देखें, अगर पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, हाँ जी, पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू, अगर प्रेशर प्लस डेल्टा पी बढ़ेगा, चीज़ वही है, तो वॉल्यूम कुछ कम होगा जी, नज़र आ रही है इधर से। तो पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी। अगर प्रेशर कुछ बढ़ता है डेल्टा पी, तो वॉल्यूम कुछ कम होता है डेल्टा वी, और वॉल्यूम की पावर कितनी है गैमा, तो ये गैमा आ गया, ठीक है। जहन क्या हुआ है, वॉशरूम तो नहीं आया हुआ, तो सीधे सही हो गए, बैठो इजी हो, चेयर से ऐसे ऊपर उठे हो, आगे से नहीं बोलना, सर मैं ही बोलूँगा। तो P प्लस डेल्टा P इंटू वी माइनस डेल्टा V की होल पावर क्या है? गैमा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से ज़रा देखें, गैमा की कीमत आपने देख ली है क्या? गैमा की वैल्यूज़ ये पॉइंट्स में होती है, बटे में होती है, फ्रैक्शन में होती है गैमा की वैल्यू। अगर a माइनस वी का होल स्केयर होता, इसकी पावर दो होती, तो हम फार्मूला लगा सकते थे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। अगर इसकी होल पावर गैमा थ्री होता, फिर भी फार्मूला पता था, a माइनस बी की होल पावर थ्री होती तो उसका फार्मूला हमें पता है। लेकिन अगर a माइनस बी की पावर फोर होती, फाइव होती, या a माइनस बी की पावर एक बटा दो होती, एक बटा चार होती, तीन बटा पाँच होती, ऐसी चीज़ों को एक्सपेंड करने का मैथ में फार्मूला नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास सिर्फ दो फार्मूले हैं, होल स्केयर का, होल क्यूब का, जिसे आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। इनके अलावा अगर कोई होल पावर आ जाती है ना, तो उस रकम को एक्सपेंड करने का फार्मूला डायरेक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। ऐसी सिचुएशंस को सोल्व करने के लिए ना बाइनोमियल एक साइंटिस्ट है, ये आप अपनी मैथमेटिक्स में आठवां चैप्टर पढ़ोगे, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पे बाइनोमियल जो थ्योरम होता है वो अप्लाई किया जाता है, कब? उन सिचुएशंस में जिन सिचुएशंस की होल पावर ऐसी हो कि उसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनता ओपन करने के लिए, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हर किस्म की पावर को सोल्व कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को लगाने से पहले ना, हमें पहली रकम वन चाहिए, पहली रकम वन होनी चाहिए। यहां पर अब पहली रकम वन नहीं है, तो देखें पी वी की पावर गैमा, ये पी प्लस डेल्टा पी, जिस पर, जिस रकम पर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, पहली रकम वन से शुरू होनी चाहिए। वैसे ये बाइनोमियल सीरीज होती है, लेकिन हम फिजिक्स में इतनी डिटेल में नहीं जाते, हम मेन टॉपिक का नाम लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हालांकि बाइनोमियल थ्योरम लगता है प्लस वाली पावर्स पर, अगर पावर बटे में या माइनस में होना तो फिर बाइनोमियल सीरीज लगती है, उसकी अगली एक शाख है। लेकिन चूंकि हम जब फिजिक्स पढ़ाते हैं उसमें मैथ का स्टूडेंट भी है, बायो का भी है, तो हम फिर वो मैथ की बारीकी नहीं बताते, हम मेजर चीज़ बताएंगे बस। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो पढ़ लेंगे मैथ में आगे क्या हिसाब है, बायो वालों के लिए इतना ही काफ़ी होता है जितना बताया जा रहा है। तो बाइनोमियल सीरीज या थ्योरम लगाने के लिए पहली रकम कब से, कहाँ से शुरू होनी चाहिए? तो आंसर है वन से। अब ये वन नहीं है, यहाँ पर मैं यहाँ से वी कॉमन ले लेता हूँ, ये वी कॉमन लिया। जब मैं अंदर से वी कॉमन लूँगा तो ये अपनी पावर समेत कॉमन आएगा, ये अपनी पावर समेत कॉमन निकलेगा। तो जब ये कॉमन निकल गया, जिस चीज़ को धक्के से कॉमन लेने का तरीका बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, धक्के से ही लिया है कॉमन,
जिसको कॉमन लिया जाता है उसकी जगह वन आता है और वो दूसरी रकम से डिवाइड हो जाता है। लो जी, मैंने v को कॉमन क्यों लिया, मैंने तो v लिया था उसकी पावर गैमा, वो पावर समेत बाहर आया, मुझे पहली रकम चाहिए वन बनाने के लिए, हमने इसको कॉमन लिया। वन क्यों बनाना है, क्योंकि शर्त है बाइनोमियल सीरीज या थ्योरम लगाने की कि पहली रकम वन से स्टार्ट होनी चाहिए। ये वी गैमा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम किस पर, आंसर है वन प्लस डेल्टा वी अवर वी की पावर गैमा, इस पर अप्लाई करना। बच्चों ये ब्रैकेट वाली रकमें उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक उसकी होल पावर सॉल्व नहीं होगी, जब तक उसकी होल पावर ओपन, ये फार्मूला जब तक एक्सपेंड नहीं ना होता, इसकी पावर का कोई हल नहीं निकलता, उस वक्त तक दो ब्रैकेट वालों को जरब नहीं दे सकते। इतना तो बुनियादी चीज़ आप जानते हो, ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे भी जानते हैं, पहले दिन जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको ये चीज़ घर से ही पता होती है कि इन दो को जरब नहीं दे सकते है? नहीं पता थी आप लोगों को वो पहले दिन? चले, आजकल के बच्चों को वैसे ये पता है पहले दिन क्या करना है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख के जाते। तो यहाँ से हमने पहले इसे ओपन करना है, पहले इसे ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फिर जाके दो ब्रैकेट वाली रकमों को जरब देंगे। तो इनको करें जरा बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, वन प्लस डेल्टा वी अवर वी की पावर गैमा। अब जरा गौर से एक चीज समझनी है, बाइनोमियल थ्योरम क्या, पहली रकम वन है, सॉरी ये माइनस है, हाँ जी, पहली रकम वन है तो वन आएगा, इधर देखें भी बोला ना, पहली रकम वन है तो वन एज इट इज आ गया, सेंटर में प्लस होता तो प्लस लगा देते, माइनस होता तो माइनस लगा देते, बस ये तो आना ही आना, पहली रकम वन एज इट इज, सेंटर में जो साइन होगा वो लगा दे। आगे जितनी रकमें हैं वो तीन चीज़ों को जरा देके लिखनी है, तीन चीज़ें हैं, नंबर वन पावर, पहली रकम, दूसरी रकम। तीन चीज़ें कौन सी बनेगी, ये ऊपर पावर है, ये वन पहली रकम है, ये वन पहली रकम है, ये बी दूसरी रकम है। आगे जितनी भी चीज़ें लिखनी है वो तीन चीज़ों को ज़रब दे के लिखनी है, पावर पहली रकम दूसरी रकम, पावर पहली रकम दूसरी रकम, पावर पहली रकम दूसरी रकम, ये ज़रब देते जब। तो ये देखो, ये है पावर, ये है पहली रकम, ये है दूसरी रकम, सही है। फिर इसी तरह से सेंटर में तो माइनस ही चल रहा है, फिर आएगा पावर पहली रकम इंटू दूसरी रकम, ऐसे ठीक हो गया। फिर आगे पावर पहली रकम दूसरी रकम चलता जाएगा। आप कहेंगे सर इनमें कोई तो फर्क होगा, इनमें कोई तो फर्क होना चाहिए, तो फर्क है। पहले केस में सबकी होल पावर वन वन है, दूसरे केस में टू टू है, तीसरे केस में थ्री फोर फाइव सिक्स एन तक चलता जाएगा, ओ ठीक है ना। आगे सबकी होल पावर बदलती जाएगी ना, वन वन होल पावर वन वन, फिर टू टू, फिर थ्री थ्री, फोर फोर चलेगा। हाँ जी, इट इज इक्वल टू वन माइनस। बच्चों जब होल पावर वन होती है उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन किसी की भी पावर हो वही रहता है। गैमा को वन से जरब दो, गैमा मल्टीप्लाई डेल्टा वी अवर वी, आगे आ जाए। डेल्टा वी एक छोटी रकम है, डेल्टा वी एक छोटी सी रकम है, छोटी रकम का सकेर लो, सकेर का मतलब होता है दो दफ़ा जरब देना, तो छोटी रकम को दो डेल्टे हो गए ना, डेल्टा वी के सकेर का मतलब है डेल्टा वी जरब डेल्टा वी। जब दो डेल्टे जरब होते हैं फिजिक्स में तो हम उसे क्या करते हैं, निगलेक्ट। छोटी रकम का सकेर लो, छोटा होगा बढ़ेगा नहीं, अगर सकेर लेने से रकम छोटी हो रही है तो क्यूब लेने से तो और छोटी हो जाएगी। जब एक रकम छोटी है ना, डेल्टा वी एक छोटी सी रकम है, आप इसका 0.1 का सकेर, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, वो 0.01 होगा, और छोटा हो जाएगा। वो पता चल रहा है, सकेर लेने से रकम छोटी, रकम का सकेर और छोटी। अब डेल्टा भी एक छोटी रकम है, जब आप इसका सकेर लेंगे तो आंसर और छोटा हो जाएगा, तकसीम करेंगे और छोटा हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। तो इतना छोटा आंसर है कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब सकेर वाली रकम निगलेक्ट है तो क्यूब वाली तो सारी बात है वो भी निगलेक्ट ही होगी, फोर। तो आगे लिख देते हैं निगलेक्टेड हायर पावर टर्म्स, निगलेक्टेड हायर पावर टर्म्स, हायर पावर टर्म्स को निगलेक्ट करना,
तो बच्चों हमने सिर्फ वन तक पावर्स को महदूद किया है, आगे स्क्वायर क्यूब फोर्थ सबको निगलेक्ट। जब स्क्वायर वाली रकम इतनी छोटी है तो क्यूब वाली और छोटी हो जाएगी, आगे और छोटी। तो हमने एक इंग्लिश का वर्ड लिख दिया, निगलेक्टेड हायर पावर टर्म्स। फिजिक्स में सिर्फ वन तक ही यूज़ करते हैं, मैथ में करेंगे हमारी फिजिक्स तक वन तक ही इसका काम हो जाएगा, आगे नहीं यूज़ करना। तो आंसर क्या निकल आया, तो आंसर निकला है वन माइनस डेल्टा वी ओवर वी की पावर गैमा का आंसर निकला है वन माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी, एक्सपेंड हो गया। इसको ऊपर पुट कर दें, अबव इक्वेशन बिकम्स, हाँ जी ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, तो ऊपर वाली इक्वेशन है P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P। हाँ जी आगे बच्चों वन माइनस डेल्टा वी ओवर वी की होल पावर गैमा का आंसर क्या निकला है, वन माइनस गैमा डेल्टा वी। अब दो ब्रैकेट वाली रकमें मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो P इज इक्वल टू P को अंदर ज़रा ज़रा दो P आ गया वन से, माइनस गैमा P को दूसरी रकम से ज़रा दें P गैमा डेल्टा V ओवर V आ गया। अब डेल्टा P को ज़रा दें प्लस डेल्टा P आ गया, डेल्टा P को आगे ज़रा दें माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर V। फिर से दो डेल्टा वाली रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये ऐसे निगलेक्टेड, कैंसिल आउट का मतलब निगलेक्ट यानी इतनी छोटी कीमत है कि उसको यूज़ करने का इस्तेमाल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। तो बच्चों अब देखें पी पी से कैंसिल आउट हो गया, ये आखिर वाली रकम निगलेक्ट हो गई है, पीछे सिर्फ दो रकमें बची हैं, ये माइनस वाली रकम इधर ले आओ तो ये आपके पास क्या बनेगा, तो आंसर है इधर से ऐसे 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 ये ऐसे कर ले। चलो जी बच्चों माइनस वाली रकम इधर ले आए तो प्लस हो जाएगी गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी आ गया इज इक्वल टू, आगे जी आ गया बच्चों इज इक्वल टू डेल्टा पी। यहाँ से डेल्टा वी ओवर वी ज़रब हो रहा है, पूरी रकम उधर जाएगी तकसीम हो जाएगी, तो गैमा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है। ये पूरी रकम जरब हो रही है उधर की डिवाइड होगी। बच्चों डेल्टा पी प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ये क्या है स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बट ओरिजिनल वॉल्यूम एंड इट इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस। तो लैप्लेस ये कहता है कि ई पी के बराबर नहीं है, ई असल में गैमा पी के बराबर है, ई इज इक्वल टू गैमा पी। तो बच्चों तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला फिर बन गया वी इज इक्वल टू, तो ई की जगह आप लिख सकते हैं अब गैमा पी डिवाइडेड बाय, अब ये फार्मूला वी इज इक्वल टू, यहाँ से अंडर रूट गैमा अलहदा रखो मल्टीप्लाई, पीछे बचेगा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। आम तौर पर गैसेस डाई एटॉमिक होती हैं और डाई एटॉमिक के केस में इसकी कीमत 1.40 होती है, 1.40 होती है, तो यहाँ पर आ गया 1.40 मल्टीप्लाई। इस पर गौर करें तो ये न्यूटन वाला फार्मूला है, अंडर रूट पी ओवर डेंसिटी न्यूटन, और न्यूटन के केस में इसकी स्पीड कितनी है 280। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तकरीबन 332 या 33 के करीब निकल आएगा, चलो जो भी, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तकरीबन 333 मीटर पर सेकेंड आया, जो कि 333 होगा या 31 होगा या 32, ये 332 के करीब करीब वैल्यू है। तो ये एक हम कह सकते हैं दिस इज़ करेक्ट वैल्यू या करेक्ट फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो आइंदा जब भी हमने साउंड वेव्स की स्पीड का फार्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सिर्फ पी नहीं बल्कि गैमा पी अंडर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। दिस इज होल टॉपिक ऑफ, साथ ही ना बोलना शुरू कर दिया करो अभी ख़त्म तो होने दो, ये आपका कंप्लीट टॉपिक है बच्चों स्पीड ऑफ साउंड का, इसको आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह कल हम इसका मज़ीद एक आगे लेक्चर है अगला हिस्सा उसका, उसको ख़त्म करेंगे तो ये सारा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।